सो 1 जुलाई को हम सबको, पूरी फिटनेस वर्ल्ड की फिटनेस इंडस्ट्री को एक लगा सबसे बड़ा झटका, जब हमें पता लगा कि जो एस्थेटिक्स, जो बहुत बड़े ग्लोबल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, उनकी अचानक से डेथ हो गई। अब इतना शॉकिंग न्यूज़ थी, जब मुझे पता लगी आई हैड टू कंफर्म इट फ्रॉम 15 डिफरेंट पीपल, क्या है सच है, बिकॉज रूमर्स भी बहुत होते हैं। फिर जब मैंने उनके दोस्त की स्टोरी देखी, नोएल की, मुझे पता लगा कि यस, ये सच है, ही इज़ नो मोर। और हैरानगी की बात यह है कि ही वॉज ओनली 30 ईयर्स ओल्ड, बट वो कहते ना कि जब डेथ आती है वो आपकी उम्र नहीं देखती। और जो एस्थेटिक्स आप नाम ही देखेंगे उनका, एस्थेटिक्स जिनके नाम में ही एस्थेटिक्स हो, तो उनके क्या एस्थेटिक्स रहे होंगे, क्या उनका बॉडी स्ट्रक्चर होगा, कैसे दिखते होंगे वो। ही वॉज आई वुड से वेरी वेल क्राफ्टेड। और सबसे बड़ी बात, उनका बड़ा पॉजिटिव इन्फ्लुएंस रहा है फिटनेस इंडस्ट्री में, उन्होंने कई लोगों को इंस्पायर करा है, स्पेशली उनकी जो चेस्ट में जो वो रिपलिंग इफेक्ट हमें देखने को मिलता था, जिसके बारे में हम बात करेंगे, और जिसके बारे में उन्होंने भी बात करी थोड़े दिन पहले ब्रैडली मार्टिन के एक यूट्यूब पॉडकास्ट में। लेकिन मैं ये वीडियो बनाने का मेरा रीज़न कुछ और है। मैं वीडियो आप ऑब्वियसली आपको पता लग ही होगा जो एस्थेटिक्स की डेथ हो गई है, आई एम श्योर आपने मेरा इंस्टाग्राम भी देख लिया होगा और कई लोगों के चैनल्स देख लिए होंगे जहाँ पे उन्होंने स्टोरी ब्रेक करी है, जहाँ पे उन्होंने न्यूज़ शेयर करी सबके साथ। बट मेरा वीडियो करने का कारण कुछ और है, बिकॉज क्या है, जब भी हम किसी ऐसे बॉडी बिल्डर की डेथ के बारे में सुनते हैं, हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आता है, अरे यार स्टेरॉइड से डेथ हुई होगी, अरे ये तो एनाबॉलिक ओवर अब्यूज़ हो गया होगा यार। तो आई थिंक इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, कभी भी आप किसी बॉडी बिल्डर की डेथ के बारे में सुनो, सबसे पहले क्यों हमें ये ख्याल आता है कि यार स्टेरॉइड से हुई होगी। मानता हूँ बहुत मेहनत करते हैं, मानता हूँ यू नो दे एक्सपेरिमेंट विद स्टफ, बट नेचुरल डेथ भी तो हो सकती है, नेचुरल डेथ भी तो हो सकती है, किसी को भी हो सकती है, जैसे जो एस्थेटिक्स की ले लेते हैं। अब इनकी डेथ का रीज़न जो बताया जा रहा है, वो बताया जा रहा है एनरिज्म, विच मीन्स ब्लड क्लॉट। अब 3-4 दिनों से, एक्चुअली कई हफ्तों से, वो अपने एक ब्लड क्लॉट के बारे में कुछ नेक पेन के बारे में बात कर रहे थे कि उनको यहाँ पे एक नेक पेन हो रहा है, बड़ा टीथिंग नेक पेन है जो ठीक ही नहीं हो रहा। उनकी डेथ से 3 दिन पहले भी वो कंप्लेन कर रहे थे कि ये जा ही नहीं रहा है, जा ही नहीं रहा है। वो क्या ना, बॉडी बिल्डर को ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, पेन वगैरह होती रहती है, एंड दे रियली डोंट, जैसे कहते हैं ना कि द शो मस्ट गो ऑन, या ठीक है यार ट्रेनिंग करने जाना है, सो वट, ऐसी चीज़ें तो चलती रहती है। मैंने कई लोगों को ऐसा देखा विच इन देयर लाइव इट्स नॉर्मल। तो आपको पता ही है बॉडी बिल्डर तो बहुत, वैसे भी बहुत एक्सट्रीम होते हैं, उन्हें छोटी मोटी चीज़ों से फ़र्क पड़ता नहीं है, बिकॉज वॉट मैटर्स टू देम इज़ विनिंग, इज़ अल्टीमेट विनिंग। तो उनको भी ये 3 दिन से पेन हो रहा था, ये नेक पेन। तो द डे ऑफ इज डेथ वो जिम जाने के लिए तैयार हुए, और वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही थे, उन्होंने अपने दोस्त से मिलना था, उनके साथ वो ट्रेनिंग करा करते थे नोएल के साथ, एंड सडनली उनको फिर वही नेक में प्रॉब्लम हुई, एंड वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही थे, एंड वो ना उनकी बाहों में जाके कोलैप्स कर गए, गिर गए उन पर, एंड सडनली ही डाइड। और उनकी गर्लफ्रेंड स्टोरी डाल रही है इंस्टाग्राम पे, जिसमें वो बता रही है कि इतना जल्दी वो, उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया ये हुआ क्या, एंड विद इन सेकेंड्स ही डाइड। मतलब आप समझ सकते हो कि ना उन्हें कुछ मौका मिला किसी को गुड बाय कहने का, बॉडी वहीं की वहीं रह गई, लोग वहीं के वहीं रह गए, सब कुछ धरा का धरा रह गया। दैट्स वॉट डेथ इज़ राइट, ये मौका नहीं देती आपको। बट उसके बाद, उनकी डेथ के बाद से कई लोगों के दिमाग में आने लगा, अरे यार ये एनोरिज्म है क्या। तो जो डेथ का रीज़न बताया गया वो एनोरिज्म बताया गया, सबके दिमाग में वो एनोरिज्म होता क्या है, होता क्या है। अब एनोरिज्म एक तरीके का ब्लड क्लॉट है, ब्लड क्लॉट जो आपकी आर्टरीज में हो जाता है, और इट कॉजेज, जब आपको क्लॉट हो गया तो ऑब्वियसली यू नो द ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगी और आपकी डेथ भी हो सकती है। इन जो एस्थेटिक्स केस वो फेटल हो गया, एंड ही डाइड एंड ही कोलैप्स्ड। अब ये किसी को भी हो सकता है, यू हैव नो कंट्रोल ओवर दिस। बट यू नो हैरानगी की बात ये है कि जो एस्थेटिक्स को एक चीज़ से बहुत डर लगता था, जो उन्होंने पॉडकास्ट में भी बात करी थी, उनके जेनेटिक्स आपको पता ही थे कैसे थे, कि ही वॉज एक्सट्रीमली रिप्ड, एक्सट्रीमली श्रेडेड। और कुछ महीने पहले वो थाईलैंड भी खेले थे प्रो शो, एमेच्योर प्रो क्वालिफायर, जिसमें उनको प्रो कार्ड नहीं मिला था, एंड उन्होंने एक क्लिप डालूंगा, आप देखिएगा उसमें। इन द एंड यू वांट अ प्रो कार्ड, दैट इज द ओनली थिंग वी फाइट फॉर इन दिस मोमेंट, बट इट वाजंट इनफ। नाउ पीपल विल से गो अगेन, ट्राई अगेन, डू इट, ब्ला ब्ला। टू मी, थैंक्स फॉर वाचिंग, अडियोस अमिगोस एंड चीकास। ऑफ कोर्स इसके बाद जब उन्हें प्रो कार्ड भी नहीं मिला, एंड यू नो वो सब
एंड ही वॉज वेरी इमोशनल. उन्होंने कहा था कोई बात नहीं, जा चुके हैं. उसके इमीजिएटली थोड़े दिनों बाद वो ब्रैडली मार्टिन के पॉडकास्ट में आए. तो ब्रैडली मार्टिन ने उनसे पूछा कि यार जो आपकी चेस्ट में जो रिपलिंग इफेक्ट आता है वो व्हाट इज इट, ये है क्या, बिकॉज दिस इज़ वेरी फैसिनेटिंग. तो उन्होंने खुलासा किया कि एक्चुअली इट्स अ रिपलिंग मसल डिसऑर्डर, RMD जिसको कहते हैं. Call it rippling muscle disease, though, as far as okay. I know. Yeah. But technically, it's a cramp. It's a cramp. To be honest, the muscle is also, the heart is also a muscle. Yeah. And that's my biggest concern always. Scary. It's like, what if I have such a bad cramp that my heart gets a cramp? I don't know. It's called a heart attack. Yeah. Those are cramps. वो cramps पड़ रहे हैं उनको body में. और उनको ये डर था कि what if मेरे muscle में तो cramp पड़ रहे हैं, अगर मेरे heart में cramp आ गए, because heart भी एक तरीके का muscle है, right? That could be fatal. और उसका सिर्फ एक ही रिजल्ट होगा, वो है हार्ट अटैक. एंड यू नो जोकिंगली उन दोनों ने इस बात को यू नो कहा कि अरे यार दैट कुड बी फेटल. तो ये ओवर ट्रेनिंग से हमेशा घबराते थे जो एस्थेटिक्स. और उन्होंने बोला भी था कि यू नो वट, आई एम नॉट गोइंग ओवर ट्रेन एनी मोर, बिकॉज मैं ज़्यादा ओवर ट्रेनिंग करूँगा उसे प्रॉब्लम एग्रीवेट ना हो जाए, ये रिपलिंग मसल इफेक्ट की डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है. सो ही न्यू वट वॉज गोइंग ऑन, बट फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली ये रीज़न नहीं है उनकी डेथ का, बिकॉज ये तो सिर्फ एक्सक्यूजेस बन जाते हैं. बट मैं आपको सिर्फ एक ही बात बोलूँगा यार, बॉडी बिल्डिंग इज़ अ ब्यूटिफुल स्पोर्ट. बॉडी बिल्डिंग जिसे कहते हैं ना, इट रियली ट्रूली टेस्ट यू कि आप कौन हो, कैसे हो, आपका डिसिप्लिन, हर चीज़. और ये डेथ्स जो है ना बहुत अनफॉर्चुनेट है, दे आर वेरी अनफॉर्चुनेट. और ये जो है ना ऐसी चीज़ें इंडस्ट्री को समवॉट एक ख़राब नेम देती हैं कुछ लोगों की वजह से, बिकॉज वो इमीडिएटली इसका रीज़न एनाबॉलिक्स अब्यूज के साथ लिंक कर देते हैं. बट इट हैज़ नथिंग टू डू, इनकी डेथ का एनाबॉलिक से कोई यूज, कोई कनेक्शन दूरों दूरों तक नहीं है. सो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है इस वीडियो के माध्यम से कि रिस्पेक्ट जो एस्थेटिक्स, रिस्पेक्ट उनके एस्थेटिक्स, रिस्पेक्ट हिज फैमिली, रिस्पेक्ट हिज डेथ, बिकॉज उन्होंने कई लोगों को इंस्पायर किया. सिर्फ 30 साल के थे वो, एंड वो अपनी लेगेसी छोड़ के गए. एंड वी शुड ऑल रिस्पेक्ट दैट. कभी भी किसी बॉडी बिल्डर की इन्हें वो कहते हैं ना, जब ऐसे डेथ हो जाती है, कभी भी उसके बारे में ये मत बोलना कि यार ये तो स्टेरॉइड्स हो गया, बिकॉज बॉडी बिल्डर जब भी अपने आप को एक लेवल पे लेके जाने की कोशिश करता है, उसको इन चीज़ों से गुजरना पड़ता है. एक्चुअली हर एथलीट को इन चीज़ों से गुजरना पड़ता है, बट बॉडी बिल्डिंग अनफॉर्चुनेटली एक ऐसी स्पोर्ट है, इसमें PED यूसेज कुछ ज़्यादा है. तो हर चीज़ हर एक को लगता है कि यार ये उसकी डेथ का रीज़न एक ही है, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है. सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू रिस्पेक्ट जो उनके साथ हुआ. यू नो माई हार्ट गोज़ आउट टू हिज फैमिली. और सबसे बड़ी बात, यू नो उन्होंने बहुत लोगों को इंस्पायर किया यार, 30 साल की उम्र में ऐसी बॉडी, ऐसी लेगेसी. ही वॉज एन एंटरटेनर, बहुत कुछ किया उन्होंने, राइट? सो वी शुड लीव इट एट दैट एंड जस्ट इन्जॉय जो उन्होंने इतने इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट बनाया हम सब के लिए, हम सबको इतना इंगेज रखा इतने टाइम से. एंड मे गॉड ब्लेस हिज सोल. बट ये रीज़न जानना बहुत ज़रूरी था और आपको बताना बहुत ज़रूरी था कि हर डेथ के पीछे स्टेरॉइड अब्यूज़ नहीं होता.